वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट की। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में सबसे पहले यूएस इकोनॉमी की बात करेंगे और देखेंगे इकोनॉमिकल मामला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कहाँ जा रहे हैं, उसके इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। नैसडैक की बात करेंगे। नैसडैक जो है 6,586 पर आ गया, जिसमें हमने ये देखा 42.23 का नेगेटिव चेंज इसमें ऑब्जर्व हुआ। S&P 500 2,564 पर आ गया और इसमें 10.23 का नेगेटिव चेंज देखा गया। रस 2K जो है 1,497 पर इंडेक्स है, 11.75 का इसमें नेगेटिव चेंज हमने देखा। TSX 60 जो है वो 937 पे है, 0.02 से नेगेटिव चेंज। और इसके साथ साथ S&P BMV जो है वो 49,548 पे है, जिसमें 440 का नेगेटिव चेंज हमने देखा। ऑल दो जो आज US इंडेक्स नज़र आ रहे हैं वो खासा नेगेटिव हैं, लेकिन हमने ये देखा कि गुज़िश्ता 4 से 5 दिन US के जो इंडेक्स थे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। तो अभी ये मामलात इनके थोड़े से नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, इस पर डिस्कशन किया जाएगा कि क्या वजह है कि ये इंडेक्स एकदम से नेगेटिव क्यों हो गए। इसके बाद बात करेंगे यूरोपियन मार्केट की। यूरोपियन मार्केट जो है खासा बैलेंस रही है। अगर बात करें FTSE की तो 7,524 पर ये इंडेक्स है, जिसमें 1.22 का हमने सर्ज देखा। डेक्स इंडेक्स जो है वो बैलेंस रहा, उसमें कोई नेगेटिविटी या कोई पॉजिटिविटी नहीं देखी गई। CAC जो है वो भी जो है बैलेंस रहा। स्टॉक 600 वो भी बैलेंस है। बेल 20 जो है वो 4,089 पर है, बैलेंस है, जिसमें हमने MCX का देखा है 2,063 पर, ये 8.02 से नेगेटिव हुआ है। FTSE MIB जो है 22,379 पर है, जिसमें 32 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। तो यूरोपियन मार्केट भी इतनी ज़्यादा कुछ हमें इम्प्रूव्ड नज़र नहीं आई, उसने अपने आप को सस्टेनेबल रखा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट टेकिंग और जो इंडेक्स की सारी ये जो बात होती है वो। अगर बात करें एशियन मार्केट की, एशियन मार्केट पर जो है वो नेकी वो जो है बेहतर रहा। ठीक है, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, इंडेक्स की भी बात करेंगे। और इस वक्त कॉल पे हमने कांटेक्ट किया है उस्मान जाहिद साहब से, डायरेक्टर रिसर्च हैं ये, FCL से इनका ताल्लुक है। उस्मान जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। सर US की अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इंडेक्स मैंने अभी आपकी कॉल से पहले अनाउंस किए, वो नेगेटिव हैं, क्या वजह लग रही है कि क्या इनके इंडेक्स नेगेटिव क्यों हो रहे हैं USA के? देखिए US का जो पॉलिटिकल रैमिफिकेशन है उसकी वजह से इंडेक्स नेगेटिव है, लेकिन अगर आप बात करें कि बहुत मेजर शिफ्ट कोई आया है तो दैट्स नॉट अ मेजर शिफ्ट। अगर कल की क्लोजिंग देखिए जस्ट 0.23% नेगेटिव, विच इज नॉट मीनिंगफुल, तो इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। यस देयर इज अ बिट ऑफ सेंटीमेंट, नेगेटिव सेंटीमेंट दैट इज प्रीवेलेंट, द रीजन फॉर दैट इज मोस्टली पॉलिटिकल। आजकल जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द US आ रही हैं दोज आर नॉट गुड। सेकंडली देखें US की इकोनॉमी में हमेशा जब भी कहीं दुनिया में टर्मोइल होता है ना तो उसका इंपैक्ट बहुत सबसे पहले US की इकोनॉमी में आ रहा होता है। तो वी ऑलरेडी सीन के यूरो के अंदर बहुत टर्मोइल हुआ है, यूरो को हम लोगों ने देखा भी है कि यूरो डिप्रिशिएट होना स्टार्ट हो गया, द रीजन फॉर दैट इज वी सीन व्हाट इज हैपनिंग इन स्पेन। सो दोज आर द मेजर रीजन जिसकी वजह से हो रहा है। ईरान और US की अगर बात करें तो उधर ऑलरेडी इश्यूज चल रही है, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है दैट इज नॉट कंड्यूसिव राइट नाउ। ठीक, अच्छा उस्मान ऑयल की बात करते हैं, $52.00 पर बैरल पर ऑयल आ चुका है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्रूड ऑयल इन द इंटरनेशनल मार्केट? एज फार एज कंसर्न द इंटरनेशनल मार्केट वी हैव टू सी सम जियोपॉलिटिकल रिस्क इनहेंस एंड द ऑयल हैज अडॉप्टेड इट। राइट नाउ 52 पर बैरल पर है, तो उस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए ऑयल $52 पर बैरल पर है, आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट द WTI। अगर हम लोग ब्रेंट को देखें तो दैट्स एक्चुअली एट 57.5, पाकिस्तान के लिए मोर प्रीवेलेंट इज द ब्रेंट। अरब लाइट जो है वो ऑलरेडी 55.5 का ऑलरेडी आ चुका है। हम लोगों ने देखा है कि एक ऑयल के अंदर एक रिकवरी ड्राइव हम लोगों ने देखी है, उसका रीजन लाइक यू सेड योरसेल्फ जियोपॉलिटिकल रीजन है। बट इन द लॉन्गर टर्म आई डोंट थिंक ऑयल को, अगर हम लोग ऑयल के बारे में बात भी करें, मे बी दिस इज अगर हम लोग एक साल की रेंज में बात करें तो डिपेंडिंग ऑन कि आपके जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है ना, आपकी क्रूड की इन्वेंट्रीज किस टाइप की आ रही है, आपका ऑयल विल ट्रेड इन अ बैंड ऑफ बिटवीन $50 to $60 पर बैरल में। ओवर द लॉन्गर टर्म हॉराइजन आई थिंक ऑयल के लिए we may see oil going negative. Why? Because हमने देखा है कि यूरोप के अंदर इकोनॉमीज जो है वो फुली ऑल्टरनेटिव एनर्जी मोड्स पे जाना स्टार्ट हो गई है। सो लॉन्गर टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड बाय लॉन्गर टर्म आई मीन 5 to 10 years, अगर 5 to 10 years की हम लोग बात करें तो शायद प्रॉब्ली एक हमें ऑयल में नेगेटिव सेंटिमेंट पे वेरी नजर आता है। यस नियर टर्म में बात करें तो ऑब्वियसली वो तो देखें क्रूड सप्लाईज आपकी ऊपर जाएंगी, ऑयल नीचे आएगा। क्रूड सप्लाईज आपकी नीचे जा रही होगी और ऑयल में उसी तरीके से मूवमेंट हो रही होगी।
अच्छा उस्मान, अगर ऑयल की बात करें तो आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स में इस बात को जो है लिखने वाले यानी कि एनालिस्ट जो है वो एक्सपर्ट्स मार्केट के लिख रहे हैं कि जी जो ऑयल थोड़ा बढ़ रहा है वो ड्रॉप हो रही है, साउथर्न इराक में एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो एक वजह ये भी बन रही है आपकी? सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, योर वॉइस वाज ब्रेकिंग। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको मेरी आवाज़ बेहतर आ रही है? जी आ रही है। ऑयल प्राइसेस के जो प्राइसेस है उसमें इजाफा होने की वजह यह है कि जो ड्रॉप कर रहा है वो साउथर्न इराक के एक्सपोर्ट को, तो ये सपोर्ट कर रहा है ऑयल के नंबर्स को सर्च में और हाइक में, राइट और रॉन्ग? हाँ, दैट्स ट्रू। ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि डॉलर जो है मज़ीद अगर देखा जाए, अगर बात की जाए फैट लीडरशिप की, तो वो बहुत ज़्यादा उसके नीचे आ रहा है, अपनी साख अपनी पोटेंशियल को बरकरार रख नहीं पा रहा, तो क्या लग रहा है कि डॉलर की आगे क्या रोल होगा ओपन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी करेंसी का? लेकिन यू टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रही हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में फिनिशिंग डॉलर की, देखें ऑब्वियसली नियर टर्म वॉलिटिलिटी जो रहती है बट डॉलर ने स्ट्रेंथन ही होना है। व्हाई? बिकॉज व्हाइल वी सीन अ डविश स्टैंस फ्रॉम द यूएस फेड, अल्टीमेटली आपका 5-ईयर प्लान के अंदर उन्होंने अब इंटरेस्ट रेट हाइक ही करना है। व्हेन इंटरेस्ट रेट, जब मॉनेटरी टाइटनिंग हो रही होती है तब आपकी करेंसी स्ट्रेंथन हो रही होती है, तो ओवर द लॉन्गर टर्म ऑब्वियसली द डॉलर इज गोइंग टू स्ट्रेंथन नॉट डिक्रीज। वो तो ऑब्वियसली नियर टर्म होता है, जैसे उनका थोड़ा सा डविश सेंटिमेंट टाइप आया, डविश स्टेटमेंट्स आई हैं, तो इसकी वजह से हम लोग देखते रहते हैं, थोड़ी बहुत वीकनेसेस आ सकती हैं। जहां तक आप ओपन मार्केट, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द लोकल मार्केट राइट नाउ, लेकिन ओपन मार्केट में तो डिमांड सप्लाई की बात होती है कि किस तरीके से चल रहा है। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जो डॉलर जो अगर आप इंटर बैंक में देखें तो डॉलर थिंग प्रीटी मच स्टेटस को ही रहा है, विच इज ऑब्वियसली बिकॉज इट्स बीइंग मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। हमारा अगर रेयर की बेसिस पे, अगर आप रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बेसिस पे देखें तो डॉलर शुड बी ट्रेडिंग एट 126-128 के बीच में ट्रेड होना चाहिए, बट हम लोग ऑब्वियसली मैनेज्ड है। हम लोगों को यहाँ से डिप्रिसिएशन नजर इतनी ज्यादा नहीं आ रही है, वियर्ड है, हमारा भी अभी भी यही है कि यहाँ से करेंसी डिप्रिसिएशन विल बी अबाउट 3-4% की डिप्रिसिएशन होगी, उससे ज्यादा आपकी डिप्रिसिएशन नहीं होगी, विच इज इन लाइन विद हिस्टोरिकल एवरेज। ठीक है। अच्छा गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड के कुछ नंबर्स में हमें कमी नजर आई, अभी भी गोल्ड में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, तो गोल्ड कितने ज्यादा किस तरह से रिकवर कर रहा है अपने पॉइंट्स को? हेलो, आई थॉट कॉल ड्रॉप हो चुकी है, कुछ वजूहात की होंगी जिसकी वजह से उनसे दोबारा एक बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि वर्ल्ड मार्केट से एसोसिएट जो खबरें आ रही हैं वो आपके सामने रख दी गई हैं। अगर बात करें यूरोपियन मार्केट की तो यूरोपियन इंडेक्स मैंने आपको अनाउंस कर दिए थे, लेकिन यूरोपियन जो शेयर्स हैं वो ये कहा जा रहा है स्लाइटली हायर गए हैं एज अर्निंग लाइक डोमिनेट। आईबैक स्लिप्स हुआ है 0.6% से, जिसकी वजह से थोड़े बहुत यूरोपियन मार्केट के नंबर्स खासा बेहतर है। अगर बात की जाए US ट्रेजरी यील्ड्स की तो वो लोअर है, एस इन्वेस्टर जो फोकस कर रहे हैं फेड डेवलपमेंट्स की, जो मैंने पहले भी आपके सामने बात रखी थी। तो अभी देखें जी, अभी इतना कुछ ज़्यादा जियोपॉलिटिकल रिस्क इन्हेंस नहीं हुआ, नॉर्थ कोरिया का एक स्टिल टेंशन था लेकिन वो इतना ज़्यादा उस पर जवाबी कार्रवाई हुई और इस तरह से दोनों कंट्रीज़ ने अपने मसल्स जो है क्रंच करके दिखाए, लेकिन वी हैव टू सी कि अब जो कमोडिटीज पे उसका इम्पैक्ट आएगा वो थोड़ा सा बैलेंस हो चुका है। अब देखना ये होगा क्रूड कहाँ तक जाता है, और ओपेक और नॉन ओपेक की मीटिंग में जब रशिया ने कहा कि वो प्रोडक्शन कट करेगा तो अब देखते हैं कि कब तक वो अपनी प्रोडक्शंस को जो है वो कट करके रखता है या अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। डेफिनेटली रशिया इज गो फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन ओपेक और नॉन ओपेक की मीटिंग को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसकी उसमें जो कंसर्न्स रखे जाते हैं खुसूसन ओपेक कंट्रीज़ को, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिर ओपेक के में लिस्टिंग में कौन से कंट्रीज अपने कंसर्न्स रखते हैं तो उसको भी देखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ देयर ओन कंट्रीज ऑफ स्टेट इंटरेस्ट, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एशियन मार्केट की बात कर लेते हैं, एशियन मार्केट के इंडेक्स क्या कह रहे हैं, उसके बाद मजीद जो है डिस्कशन आपसे करेंगे। निकी इंडेक्स जो है वो 21,715 पर है, जिसमें 19.24 का हमने इजाफा देखा है, और शंघाई जो है वो 3,383 पे है, जिसमें 2.54 का हमने सर्ज देखा, इजाफा देखा। शेंजेन 547 पे है, 0.12 का नेगेटिव चेंज देखा। HSI जो है 28,323 पे है, जिसमें 1.734 का हमने
सर्ज देखा। ASX 200 5,895 पे है जिसमें 1.64 का हमने पॉजिटिव चेंज देखा। NSEI जो है वो 10,195 पे जिसमें 10.150 का हमने पॉजिटिव चेंज देखा। मलेशिया का इंडेक्स जो है यानी कि मलेशिया वो 1,740 पे है जिसमें 1.24 का हमने नेगेटिव चेंज देखा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अभी जो है वो नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है, यानी कि आज बाज़ार का आगाज़ ही हुआ, जब बाज़ार खुला तो वो नेगेटिव पॉइंट के साथ खुला और बाज़ार से हमने ये देखा कि मार्केट इस वक्त 200 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव ट्रेड कर रही है। देखना यह है कि इंडेक्स कितना ज़्यादा आज नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, वो आपके सामने रखेंगे। स्टॉक मार्केट बेयरिश होने की बहुत सारी वजूहात हमने आपको हर सतह पर हर फॉरम पर डिस्कस की है, क्योंकि अब चैलेंज कोई एक नहीं है, चैलेंजेस आपके बढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट, देयर इज़ लिमिटेड फंड और साइज जो कि हम देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन वो आपको पता है ढकी छुपी नहीं है, डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि नैप ने जो है उन पर कुछ शर्जील इनाम मेमन के लिए जो है कुछ मामला थे तो उनको अरेस्ट किया गया, ये सारी सूरत हाल आपको पता है। और फिर अब जो कल वज़ीर आज़म आ रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म आ रहे हैं, मेरे मुंह से बार बार वज़ीर आज़म निकलता है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं, उसके बाद देखना होगा कि उनके ऊपर जो एलिगेशन्स लगे हैं उन पे भी फ़र्द जुर्माइद हो चुकी है। तो ये सारी ख़बरें जो ऐसे ही हैं कि इस खुसूसन स्टॉक मार्केट को बड़ा जो है वो तंग कर रही हैं, उन पे जो है ब्लैक इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सारी सूरत हाल आपको पता है और हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जो है ये सारे मामला जो है रैप ऑफ हो जाएं और वाइंड अप होके सिस्टम आगे बढ़े, क्योंकि रोज़ाना एक ही बात हो रही होती है, तो जो भी चीज़ें हैं इनको जल्दी वाइंड अप कर लें ताकि स्टॉक मार्केट मज़ीद जो है वो उस पर कोई नेगेटिविटी ना आए। और मज़ीद बात यह है कि जी नेगेटिविटी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल अब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ऑल्दो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है मैं उसको नेगलेक्ट नहीं करूँगा, मज़ीद होने चाहिए क्योंकि आपका इन्वेस्टर साइज बढ़ना चाहिए। हमारा इन्वेस्टर साइज कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट का बड़ा लिमिटेड है, मोर कंपनीज लिस्ट होनी चाहिए, मोर जो है आपके पास इन्वेस्टर इन टर्म्स ऑफ FDI और लोकल आपके पास आने चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरत है और वक्त की रिक्वायरमेंट भी आप समझ लीजिए। अच्छा, एक दो बातें आपके सामने रखनी थी, इंपॉर्टेंट है। HBL का मैं आपको बता दूं कि HBL में कुछ हैपनिंग्स होने जा रही हैं, वो क्या है, वो ये है कि जी HBL के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी रिटायर होने वाले हैं, दिसंबर में उनका टेन्योर पूरा होने वाला है, 15 साल की उनकी सर्विसेज थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हेड्स ऑफ दैम और द मैनेजमेंट ऑफ HBL। लेकिन अब देखना ये है, उन्होंने एक चीज़ और अनाउंस की है कि वो अपॉइंट करने वाले हैं फॉर्मर गवर्नर को, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रहे, सैयद सलीम रज़ा, जो कि डायरेक्टर बन जाएंगे HBL बोर्ड के। तो देखते हैं कि क्या मामला HBL के रहते हैं। टेक्सटाइल्स एसोसिएट जो खबरें थी वो मैं आपको बता दूँ, एक नेगेटिव खबर है, ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है। FVR हैज नोटिफाई रिडक्शन इन सेल टैक्स रेट ऑन इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ टेक्सटाइल एंड लेदर। अ नोटिफिकेशन SRO 107 वॉज इशू ऑन मंडे, एज पर डिसीजन द सेल टैक्स वॉज रिड्यूस टू 6% फ्रॉम स्टैंडर्ड 17 ऑन इम्पोर्ट ऑफ दीज फिनिश प्रोडक्ट्स फॉर कंजम्पशन इन डोमेस्टिक मार्केट। टेक्सटाइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। टेक्सटाइल आप समझ लीजिए एक तो वैसे ही एक कश्ती उसकी डूब रही है, तो उसको आप और जकअप ना करें, आप उसको सहारा दें और सहारा देना पड़ेगा अगर आपको इकोनॉमिकल मामला बेहतर करने। एक बड़ा वेट है आपका टेक्सटाइल का, स्टॉक मार्केट में भी है, आपके कंट्री में भी है, एक्सपोर्ट्स भी आपकी खासा बेहतर हो सकते हैं। कॉटन पर आप इन्हिसार कर रहे हैं, कॉटन ठीक है, अच्छा है, आपकी प्रोडक्शन हुई है, आपके मामला बेहतर है, लेकिन और होने चाहिए क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। UBL की भी कुछ रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा। PSO का भी जो रिज़ल्ट आया वो भी खासा बेहतर है, अच्छा है, वो मैंने आपको सुबह बता भी दिया था। तो ये दो तीन ख़बरें ऐसी हैं कि इनको आपके सामने रखना ज़रूरी था। और इकोनॉमिकल मामला तो आपको पता है किस तरह से चल रहे हैं। इसाक डार साहब की जो टीम है उन्होंने क्लेम किया है कि जो प्लान है पाइपलाइन में है, वर्ड ऑफ एक्सटर्नल फ्रंट क्राइसिस हैं, वो सारे मामला तो आपको पता है। साथ साथ फेडरल कैबिनेट हैज़ ग्रांटेड टैक्स एग्जम्पशन, इस पर भी बात की जा रही है। ये सारी सूरत हाल वो है जो स्टॉक मार्केट के साथ साथ आपके इकोनॉमिकल मामला को भी सपोर्ट कर सकती है अगर करना चाहें, अगर अच्छे मेजर्स लेना चाहें। तो ये सूरत हाल आपके सामने रख दी, आप कुछ बात करेंगे हम कमोडिटीज़ की।
ऑयल एक बार फिर अपडेट कर देते हैं, डॉलर 52 पर बैरल पर है, समथिंग नहीं है क्योंकि 0.00 है पर बैरल है, इसका मतलब 0.10 हमने सर्च देखा है। नेट गैस 2.938 पर है, गोल्ड जो है 1284 पे है, सिल्वर 17.16 पे है, वीट 437 पे है, कॉपर 3.2 पर है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो टिप्स ऑफ द डे की बात करेंगे। स्टे विद अस।